टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली यूजेज सेंटेंस। आप अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस डेली पढ़ते होंगे, लाइक ये खोखले पेड़ है, दीज आर होलो ट्रीज, वह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, डेट इज आ जिग जैक वे, वे रसीले आम है, दोस आर जूसी मैंगोस। आखिर ये सेंटेंस बनते कैसे हैं? वही इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। जी हाँ, वही ट्रिक कॉन्सेप्ट जो आप कहते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है। यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हजारों सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नाउन पुट करके बना पाएंगे। तो बिना डिले करें चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस का मतलब होता है यह। पास की किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति को बताने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। इसके साथ सहायक क्रिया इस आईएस का यूज करते हैं। एक वचन संज्ञा से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आप और आपके दोस्त यहाँ खड़े हैं। इसके अकॉर्डिंग यह जो पेड़ है, जो कि एक ही पेड़ है और आपके बहुत ही नजदीक है, नियर बाय मतलब बहुत ही पास है, तब आप दिस का प्रयोग करेंगे इसे बताने के लिए। यह एक पेड़ है, दिस इज अ ट्री, आप इस तरीके से यूज करेंगे। दीस का मतलब होता है ये। मैनी थिंग्स नियर बाय मतलब बहुत सारी चीजें, नियर बाय मतलब पास में हो। जस्ट इमेजिंग आप यहाँ हैं, आपके अनुसार देखिए कि आप यहाँ खड़े हैं तो दो या दो से अधिक पेड़ यहाँ पे हैं जो कि आपके नजदीक हैं, तो हम आप दीस का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप यहाँ ये पेड़ है इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे, दीस आर ट्रीज। जब बहुत सारी चीजें हमारे पास में हो तब हम दीस का प्रयोग करते हैं। फार अवे मतलब दूर, इसके लिए हम डेट का यूज करते हैं। डेट का हिंदी मतलब वह होता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ खड़े होकर इस पेड़ को देख रहे हैं जो कि एक है और आपसे दूर है, तब हम डेट का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज एक हो और हमसे दूर हो तब उसे हम बताने के लिए डेट का प्रयोग करेंगे। तो आपके सेंटेंस बनाएंगे, वह एक पेड़ है, डेट इज अ ट्री। दोस्त का हिंदी मतलब वे होता है। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारे चीज, फार अवे दूर हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं जो आपसे दूर है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ से खड़े होके इनको देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं और दूर है। जब हमें बहुत सारी चीजें हों और हमसे दूर हों तो उन्हें बताने के लिए हम दोस्त का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वे पेड़ है, दोस्त आर ट्रीज। दिस मतलब यह, डेट मतलब वह, दिस मतलब ये, दोस्त मतलब वे का। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और आई बटन में आप क्लिक करके भी इसका सेपरेट वीडियो आप चाहते हैं देखना कॉन्सेप्ट और बूस्ट करने के लिए तो आप देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरीके के सेंटेंस की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके और लाइक करके भी बता सकते हैं। तो हम आपको कुछ ऐसे इन एग्जांपल देंगे जो कि आपको और भी सेंटेंस बनाने में मदद होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिस मतलब यह, यह एक कमरा है, दिस इज अ रूम। यह एक मेज है, दिस इज अ टेबल। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक चर्च है, दिस इज अ चर्च। यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग। यह एक कालीन है, दिस इज अ कारपेट। दिस मतलब कि पास में मैनी थिंग्स बहुत सारे चीज हों तब हम इसे अकॉर्डिंग दिस का प्रयोग करते हैं। ये बसे हैं, दिस आर बसेस। ये उद्योग है, दीज आर इंडस्ट्रीज। ये फसलें हैं, दीज आर क्रॉप्स। ये एयरफोन है, दीज आर एयरफोन्स। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये मंदिर है, दीज आर टेम्पल्स। दैट का यूज हम जब एक चीज हो और हमसे दूर हो तब हम उसको इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का मतलब वह होता है। वह एक घर है, That is a house। वह एक झोपड़ी है, That is a cottage।
वह एक कुर्सी है. दैट इज अ चेयर. वह एक पौधा है. दैट इज अ प्लांट. वह एक पहाड़ है. दैट इज अ माउंटेन. दोस का प्रयोग हम जब बहुत सारी चीजें और हमसे दूर हो तब उसे बताने के लिए हम दोस का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब वे होता है. वे स्कूल बैग है. दोस आर स्कूल बैग्स. वे खिड़कियां हैं. दोस आर विंडोज. वे पेन है. दोस आर पेन्स. वे घर है. दोस आर हाउस.